हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ आपको हैंड स्टैंड करना। तो हैंड स्टैंड कैसे करते हैं वो इस वीडियो में आपसे बताऊँगा और उसकी एक्सरसाइज बताऊँगा कि उस कौन कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे कि आप हैंड स्टैंड कर सकते हैं। तो हैंड स्टैंड फ्रेंड कोई भी कर सकता है, ज़्यादा एज वाले भी कर सकते हैं, बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं और लड़कों को तो करना ही करना चाहिए। लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं। इसलिए हैंड स्टैंड करने के लिए ना कोई उम्र होती है, कितने भी उम्र के कोई भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हैंड स्टैंड सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप हैंड स्टैंड सीखना चाहते हैं। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो तो हैंड स्टैंड नहीं सीख पाएंगे। और आप हैंड वॉकिंग सीखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, तो हैंड स्टैंड करने के से पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वार्म अप कर लेना है, क्योंकि हाथों को वार्म अप कर लेना है ऐसे घुमा के, ताकि अगर आप बिना वार्म अप के करेंगे तो आपकी इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा वार्म अप कर ले, कोई भी चीज़ करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करनी है हैंड स्टैंड के लिए, आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बैलेंस बनाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से हो जाना है। आपको कोहनियों पे अपने पूरी बॉडी को बैलेंस करना है। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरी कोहनियों पर आपको बैलेंस करना है इस तरीके से, ओके। तो दोस्तों, बैलेंस बनाने के लिए ये शानदार एक्सरसाइज है, इसको करें आप कम से कम 5 से 6 मिनट तक। और आपको अगले एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, आपको वॉल की मतलब दीवार का सहारा ले लेना है कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इस तरीके से हो जाना है और फिर ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक ऐसे करना है। आप रेस्ट ले लेके भी कर सकते हैं, आप रेस्ट ले लेके भी कर सकते हैं, 1-1 मिनट के रेस्ट के साथ आप बैलेंस बनाना दीवार के साथ करें और फिर इससे आपकी बहुत बढ़िया बैलेंस की एक्सरसाइज होगी, बहुत ही अच्छी आप बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। अगर आप 5 से 6 सेकंड, आप मैं आप सबको बता दूं कि आप एक ही दिन में हैंड स्टैंड करना सीख सकते हैं अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट तक करें। और आप ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिससे कि आप 100% सीख जाएंगे हैंड स्टैंड, जिसमें क्या करना है, आपको इन दोनों एक्सरसाइज को मिलाकर मतलब बिना दीवार की हैंड स्टैंड करने की कोशिश करना है। तो दोस्तों कैसे करना है, ऐसे करना है, ट्राई करना है अपने होल्ड करने का अपने हाथों को। आप एक जगह रहने के लिए अपने हाथों को आप चलाएं ताकि आप अच्छी तरीके से हैंड स्टैंड कर सके। आप इसे ट्राई करें 5 से 6 मिनट तक, या फिर ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना जल्दी सीखना चाहें आप, जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हैंड स्टैंड सीखना है तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप हैंड वॉकिंग सीखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो। तो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके फ्रेंड्स जो हैंड स्टैंड सीखना चाहते हैं उनको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।